हैप्पी होली। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट, जो कि बिल्कुल बाजार जैसी खट्टी तीखी मीठी चटपटी बनने वाली है। और इस पापड़ी चाट में पापड़ी भी हम घर पर ही बनाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनने वाली है। तो वीडियो को फुलवाच कीजिए, और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा, और मैदे में डालेंगे हम घी। तो घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और यहाँ मैंने ली है 1 चम्मच अजवाइन, छोटा चम्मच लिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। मिर्च ऑप्शनल है, यदि डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और काला नमक और सादा नमक, दोनों ही नमक मैंने यहाँ लिया है। तो घी हम इसमें डाल के और इसको मोइन करेंगे। तो 2-3 चम्मच जितना मैंने घी इसमें डाल दिया है, और अब इसे अच्छे से मोइन करेंगे। जब अच्छा से मोइन होगा तभी हमारी जो पापड़ी है वो खस्ता बनेगी। और इस पापड़ी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, ये महीनों तक खराब नहीं होती यदि एयर टाइट डब्बे में आप इसे बंद करके रखते हैं तो। और देखिए यहाँ मोइन सही है। तो अब इसे हम डो लगा लेंगे, और डो हमें सख्ती लगाना है। पापड़ी के लिए डो सख्ती लगाया जाता है, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ डो बनकर रेडी हो चुका है। 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है ढक्कन लगा के, और इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद इससे हम पापड़ी बनाएंगे। तो आटे से एक गोली मैंने तोड़ ली है, और अब इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें पतला बेलना है पापड़ी के लिए। और इसी डो से आप कई तरह की मठरियां भी बना सकते हैं। तो ये जो पापड़ी बनेगी वो ऐसे भी आप टी टाइम में ले सकते हैं, बहुत चटपटी बनती है, और चाट बनाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ मैंने इसे बहुत ही पतला बेल लिया है, बिल्कुल रोटी की तरह। आप देख सकते हैं कि रोटी की तरह मैंने इसे बेला है, और अब इसे फोक की मदद से होल बना देंगे इस तरीके से, ताकि ऑयल में जाके हमारी जो पापड़ी है वो फूले नहीं। तो यहाँ हर तरफ मैंने होल बना ली है, और अब यहाँ मैंने लिया है कुकीज कटर, तो इसी से मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो छोटा ग्लास ले सकते हैं, या किसी चीज का ढक्कन ले सकते हैं, और जितना बड़ा छोटा पापड़ी बनाना चाहते हैं उसके अनुसार इसे कट कर ले। इसी तरीके से हम जो अपना सारा डो है उससे पापड़ी बेल लेंगे और कट कर लेंगे। और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम होने बैठा दिया था, ऑयल गरम हो चुका है, अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। और पहले तो ऑयल गरम है, लेकिन अभी मैंने इसे थोड़ा सा आंच को धीमा कर दिया है, और धीमी आंच पे ही इसे हम फ्राई करेंगे, ताकि अच्छे से ये बढ़िया सा कलर आए और ये क्रिस्पी तलकर रेडी हो जाए। पापड़ी तलकर रेडी हो चुकी है, तो अब इससे हम पापड़ी चाट बनाएंगे। और देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है इसका, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं मजे से। तो आइए पापड़ी चाट बनाना शुरू करते हैं। तो कोई भी ट्रे प्लेट आप कुछ भी ले लें, जिसपे आप पापड़ी चाट बनाना चाहते हैं, और उसमें इस तरीके से पापड़ी लगा दे। और अब इस पे हम डालेंगे आलू। तो आलू जो है मैंने इसे थोड़ा सा मसाला डाल के और तैयार किया था, तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पत्ती, ये सब डाल के आलू को रेडी कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ खीरा डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ टमाटर है, अपने मनपसंद की चीजों से इसे हम सजा सकते हैं। तो यहाँ प्याज डाल दी है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, और अब इस पे हम डालेंगे मीठी दही। तो दही में चीनी डाल के और इसे फेंट कर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हर पापड़ी पे थोड़ा थोड़ा दही डाल देंगे। और अब इस पे डालेंगे इमली की चटनी। ये इमली की चटनी मैंने घर पे बनाई है, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं वहां से जाके। और ये धनिया और पुदीना की चटनी है,
इसको भी थोड़ा थोड़ा इस पे डाल दिया है और आप अपने पसंद का मिक्सचर इस पे डाल के और सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी जो हमारी पापड़ी चाट है, बनी है, हर तरह का फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा, तीखा, मीठा, खट्टा, चटपटा है बिल्कुल। तो बिल्कुल बाजार जैसी पापड़ी चाट बनी है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। कैसी लगी आपको मेरी चटपटी पापड़ी चाट की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।